स्वागतम, खुशामदीद, वेलकम टू गेमर्स टॉक। तो भाई आजकल मेरी जो फेवरेट टीम चल रही है वो टीम है टी अमेरिकन ट्राइबल बीस, और आज टी अमेरिकन ट्राइबल बीस का मुकाबला हो रहा है टीम हॉरर बोलू इसे, लो कोडियोस तो मारने वाला था, लेकिन इस टीम को नाम क्या दूँ, टीम अंडरटेकर, टीम हॉरर या टीम पता नहीं क्या नाम दूँ, लेकिन चलो टीम हॉरर ही नाम देता हूँ। कोडियोस वर्सेस केन का मैच हो रहा है टीम अमेरिकन नाइट बीस्ट का, नहीं क्या नाम था यार, टीम अमेरिकन ट्राइबल बीस्ट का ये तीसरा मैच है। टीम खतरू को हराने के बाद ये काफ़ी जोशीले हो चुके। रोमन रेंस ने आते के साथ केन को स्पीयर दे दिया है। केन सर क्या कर रहे हैं, आप पिटा रहे हैं, 1-2 किकआउट। और इस मैच के बाद ना टीम अमेरिकन ट्राइबल बीस्ट के सामने आएगी, पता है कौन मैच, अब मॉड आएगा इस मैच के बाद, अब डायरेक्ट इन लोगों के सामने मॉड आएगा। तो तुम लोग कमेंट करके बताओ कि कौन सा मॉड पहले तुम लोग हारते हुए देखना चाहते हो इस टीम के हाथों। रूमर एक्स किसको टैग दे रहा है, कोडियोस आ चुका है जो कि काफी खतरनाक है। क्रॉस रोज देना शुरू कर दिया कोडियोस ने, कैंसर का जो फिनिशर है ना उस चक्कर में कैंसर बहुत मार खाएंगे, लगता गया नॉकआउट। भाई एक स्पीयर पहले ही पड़ चुका है, नॉकआउट हो सकते हैं कैंसर, नॉकआउट जैसा कि हमें पता था सुपर फिनिशर के साथ एक स्पीयर। लेकिन कोडियोस के पास अब कुछ नहीं है और अंडू बाबा ने बदला लेने की कोशिश की थी लेकिन ले नहीं पाए बेचारे। कोडियोस के पास एक और फिनिशर आ चुका है। यार देखो कुछ भी बोलो, WWE 2K24 में ना कोडियोस काफ़ी डेंजर बना है भाई। फ्री पिन हुआ नहीं, बच गए अंडू बाबा। अब देखते हैं कि कोडियोस कैसे संभाल पाते हैं अंडू बाबा को। ओ भाई साहब लेग ड्रॉप मिल चुका है अंडू बाबा को। अंडू बाबा के पास अभी भी एनर्जी है लेकिन कोडियोस के पास भी फुल एनर्जी है। अब अगर कोई ऐसा हो गया ना कि ग्लिच से एलिमिनेट हो गया कोई एक ही फिनिशर में, तभी टीम अंडरटेकर जीत सकती है। टूमस्टोन पर चुका है लेकिन रिवर्सल हो सकता है, हो गया क्या, हो गया अंडू बाबा को कुछ नहीं हो सकता, मैं बता रहा हूँ। ये मैच तो टीम अमेरिकन ट्राइबल बीस्ट का जीता हुआ है और इस मैच के बाद ना अब डायरेक्ट मॉड आएगा, गया। कोडियोस के बाद दो फिनिशर आ चुका है लगभग और एक सिग्नेचर है भाई, लगता है कोडियोस ही सबको खा जाएगा। और जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि ब्रॉक लेसनर को मौका तक नहीं मिला था, भाई ब्रॉक ही बोल रहा था यार मुझे मौका दो, मुझे आना है, मुझे फाइट करना है, क्या करते हो तुम लोग दोनों यार, अकेले अकेले सारे मैच खत्म कर देते हो। अंडरटेकर और ब्रॉक का मैच होगा वही ज़्यादा अच्छा लगेगा मुझे, कमॉन यार ब्रॉक यार, कॉडी एलिमिनेट कर चुके हो एक को यार, अब ब्रॉक को टैग दे दो। अंडरटेकर यार मुंह हाथ सब दबा रहे हैं, कोई बात नहीं अंडरटेकर सर को अगर जीतना पड़ेगा तो बैक टू बैक फिनिशर लगाना पड़ेगा आपको अंडरटेकर सर, ऐसे नहीं जीत पाएंगे आप। कोडियोस फुल फॉर्म में है, फिनिशर देने के चक्कर में, फिनिशर काफ़ी देर से कोडियोस दिया नहीं है भाई, क्या बात है। कोडियोस तो अपना फिनिशर बचा के चलने वालों में से है नहीं जहाँ तक मुझे याद है, कोडियोस तो अपना फिनिशर बांट देता है, पेडिग्री दे रहा है क्या। ओ भाई साहब देखो सिग्नेचर दे दिया है, सुपर सिग्नेचर दे दिया अंडरटेकर सर की, हालत बहुत ख़राब हो चुकी है, हेल्थ एकदम ख़त्म हो चुकी है, मैं क्या ही बोल सकता हूँ। लो गया बुगीमैन, मेरे नेक्स्ट लाइन यही थी कि बुगीमैन की हेल्थ अभी ठीक ठाक है लेकिन बुगीमैन अब सुपर फिनिशर खा चुका है। ओ भाई साहब अब तो बुगीमैन का कुछ नहीं हो सकता, लगता है ये मैच स्क्वॉश होगा। अंडरटेकर की भी हालत ख़राब है, बुगीमैन की भी हालत ख़राब है और ब्रॉक और रोमन तो पूरे फ्रेश खड़े हुए हैं भाई। अगर अंडरटेकर सर को जीतना है तो काउंट आउट करना पड़ेगा, अंडरटेकर सर आपको काउंट आउट करना ही पड़ेगा कोडियोस को, वरना फिर आप लोगों के जीतने का चांस एकदम नेगेटिव में है भाई, मैं क्या ही बोलूँ नेगेटिव में। लेकिन लगता है अंडरटेकर सर ने मेरी बातें सुन ली है भाई, लगता है काउंट आउट करने के चक्कर में अंडरटेकर सर कर सकते हैं, अगर कर देंगे तो जीतेंगे। बाहर एक टूमस्टोन लगा दिए ना, ओ भाई साहब गया, अगर लग गया तो गया काउंट आउट, नॉकआउट हो सकते हैं। अरे बच गया कोडियोस भाई, बहुत ज़्यादा हेल्थ चली गई कोडियोस को, गलत किया अंडरटेकर सर, बाहर रहने देना चाहिए था। अब कोडियोस का फ्री पिन होने वाला है लेकिन अंडरटेकर और ब्रो रोमन रेंग्स दोनों बाहर ही है, बचा लिया ब्रॉक ने। कोडियोस का अगर पिन होता तो शायद हो जाता, और यहाँ पर सबसे टफ अभी हाल फिलहाल में मुझे कोडियोस ही लग रहा है। अंडरटेकर सर कोडियोस को जाने नहीं देना चाहते थे लेकिन कोडियोस भी अब अपने होश में आ चुका है। क्या कर रहा है कोडी भाई, ये एक फिनिशर नहीं है ये लौंडा, दो सुपर फिनिशर पूरे मैच में, दो सुपर फिनिशर लगा चुका है। बुगीमैन आ चुके हैं जो कि मैं क्या ही बताऊँ जिसका हेल्थ बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। बुगीमैन बचा ले, नहीं बचा पाया बुगीमैन, लगता है कोडियोस ही सब खत्म करेगा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोडियोस ही सब कुछ खत्म करने वाला है। कोडियोस एक बार भी रिंग से बाहर गया नहीं है, किसी को टैग दिया नहीं है, अकेले अंडरटेकर बुगीमैन और केन तीनों को खा चुका है।
कॉडियोस अगर अभी एलिमिनेट भी हो गया तब भी टीम अंडरटेकर का बहुत नुकसान है। वहाँ कहाँ जा रहे हैं यार बुगीमैन, वहाँ कहाँ जा रहे हैं? कॉडियोस को देखिए ना, कभी भी निपटा देगा आपको। टैग दे दे कॉडी यार, टैग नहीं दिया कॉडी ने। ओ भाई साहब, बुगीमैन ने फिनिशर लगा दिया, नॉकआउट नहीं हुआ, कॉडी बच गया। चलो रोमन भी आ चुका है, ब्रॉक और रोमन दोनों कॉडी की तरफ से आ चुका है। अब अगर एक भी फिनिशर कॉडियोस को पड़ता है तो कॉडियोस का रेजिडेंस जाएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब एक और फिनिशर और कॉडियोस टाटा बाय बाय बोल देंगे सबमिशन लगाने के चक्कर में। नहीं नहीं नहीं, टूम स्टोन नहीं, टूम स्टोन नहीं लगा, बचा लिया कॉडी ने, फिर बचा लिया कॉडी। काफ़ी टफ है, ब्रॉक और रोमन तो अभी तक रिंग में आया भी नहीं है। रोमन आया था, एक स्पीयर देके चला गया। कॉडियोस क्या कर रहा है? कुछ नहीं। अंडरटेकर सर अगर जीतना है तो, ओ भाई साहब, अंडरटेकर सर का यही तो दिक्कत है भाई। 2K25 में ना ये सब ग्लिच सुधार देना चाहिए भाई, फिनिशर दे रहे हो स्पीड में दो यार। जॉन सेना के साथ भी बेचारे के साथ कांड हो जाता है। लो कॉडियोस यार, ये मैच में जितना फिनिशर इन लोगों के पास है नहीं ना, उससे ज़्यादा फिनिशर तो कॉडियोस दे रहा है। फाइनली रोमर एक साथ चुके हैं रिंग के अंदर, एक स्पीयर में लगता है अंडरटेकर सर चले जाएंगे, लेकिन अंडरटेकर सर को लगता है अब फाइट करना है। रोमन बचाया? नहीं बचाया। अंडरटेकर सर ने बोला यार कब तक मैं मारूंगा, रेजेंस किया लगता है अंडरटेकर सर का। 1 2 बच गए अंडरटेकर सर। रोमन के पास क्या है? स्पीयर है। ओ भाई साहब, स्पीयर के ही चक्कर में था रोमन रेंस, लेकिन अंडरटेकर सर ने एन मौके पे पकड़ लिया। भाई अंडू बाबा, आपका ये जोश कॉडियोस के टाइम में कहाँ चला गया था भाई? अंडू बाबा रेसलमेनिया में भी आप जिता के चले गए कॉडियोस को, रोमन रेंस के सामने ही सारा जोश आ जाता है आपको। 1 2 किक आउट। रोमन यार स्पीयर दो यार। ओ भाई साहब, ये लात मुझे लगा नहीं था लगेगा। दूसरा टूम स्टोन रोमन रेंस को पड़ने वाला है भाई। ये हो क्या रहा है, ये हो क्या रहा है भाई? ऐसा तो मत करो। गया सिग्नेचर रोमन ने, लेकिन सिग्नेचर बचा लिया है। अगर पड़ता तो रोमन रेंस की हेल्थ बहुत खत्म हो जाती। अब लगता है रोमन सुपर फिनिशर के चक्कर में। इस मैच में ना अमेरिकन ट्राइवल बीस जो है ना, जो कि आजकल मेरी फेवरेट टीम है, काफ़ी ज़्यादा सुपर फिनिशर लगा रही है भाई। अब रोमन के पास सुपर फिनिशर। ओ भाई साहब, गलत धरा है रोमन। अगर यहाँ पर रहा रोमन तो काउंट आउट हो जाएगा अंडरटेकर, लगता है काउंट आउट करने के चक्कर में। मैं बता रहा हूँ काउंट आउट करने वाले अंडरटेकर सर। 3 तो भाई 3 हो गया, हाँ बच गया अंडरटेकर और रोमन। लगता है दोनों गया, लगता है दोनों जाने वाले। अरे रोमन यार गलत, 5 दोनों हेलमेट। कोई बात नहीं, रोमन गया तो गया, अंडरटेकर सर को भी लेके गया। अब यहाँ पर बाकी हैं सिर्फ बुगीमैन। कॉडियोस की हेल्थ लो है, ब्रॉक लेसनर की फुल है, और बुगीमैन शायद एक ही फिनिशर का है या फ्री पिन में इसका रेजन भी चला जाएगा भाई। ये कुछ नहीं कर पाएगा, मैं क्या ही बताऊँ इसके बारे में। अभी हारा हुआ पूरा मैच है। अगर ब्रॉक लेसनर ग्लिच के कारण एक फिनिशर में हेलमेट हो गया तो ही जीत सकते हैं बुगीमैन। नहीं हुआ हेलमेट, अब कुछ नहीं हो सकता। कॉडियोस भी बाकी है, ब्रॉक भी बाकी है। किकआउट हो चुका है। अगर ये मैच टीम बुगीमैन जीत गई तो ये आखिरी मैच होगा अमेरिकन ट्रैवल बीस का। जिस दिन अमेरिकन ट्रैवल बीस हार गई ना, उस दिन इनका फेयरवेल मैच होगा। उसके बाद ये गेम ऑफ शॉट में कभी नजर नहीं लाएगी। ओ भाई साहब, मेरी बोली बोली में दो फिनिशर लगा दिया है, लेकिन ब्रॉक लेसनर फिर भी सर्वाइव कर चुके हैं। रेजन चला गया ब्रॉक लेसनर का, यानी कि फ्री पिन में भी ब्रॉक लेसनर निपट सकते हैं। क्या कर रहे हैं ब्रॉकी यार, क्या कर रहे हो यार बुगीमैन? ओ भाई लेग ड्रॉप मार के भी पिन करवा सकता है बुगीमैन। ओ भाई साहब बॉडी ड्रॉप, अब पिन हो सकता है। पिन मत करवाना बुगीमैन, कसम है तुझे। ब्रॉक क्या कर रहा है यार, एक फिनिशर दे क्या कर रहा है? बेइज्जती हो रही है मार्केट में अपनी। फिनिशर टाइम ब्रॉकी यार, हाँ कम ऑन F5। अरे बचा लिया बुगीमैन यार, बुगीमैन ने तो हालत खराब कर दी। अब ये मैच जीता वह लग रहा है भाई। सिग्नेचर आ चुका है, अगर एक सिग्नेचर ब्रॉक को पड़ा और एक फिनिशर पड़ा कॉडियोस को, तो जीत जाएंगे टीम बुगीमैन। और अमेरिकन ट्रैवल बीस का ये आखिरी मैच होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए। ब्रॉकी क्या कर रहा है यार, ब्रॉकी एक फिनिशर तो लगा। ब्रॉक ने बचा लिया, नॉइस टाइम फॉर कमूरा, कमूरा लगा दिया ब्रॉक ने। मैच खत्म, टैप आउट कर दिया बुगीमैन ने। और ये मैच फिर से मेरी टीम अमेरिकन ट्रैवल बीस जीत चुकी है। और जैसा कि मेरा प्रॉमिस है कि नेक्स्ट मैच अमेरिकन ट्रैवल बीस वर्सेस मॉड होगा, तो तुम लोग लिख के बताओ कमेंट में कि कौन सा मॉड लाना चाहते हो मेरी इस टीम के सामने। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टाटा एंड सी यू।